बड़का गांव और ये केरेडाड़ी गांव जो है सुकृति कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के जितने भी भूमि है वो सभी भूमि में सालों कृषि लगा हुआ रहता है। अभी ये हमारे बड़का गांव क्षेत्र में पूरे करणपुरा घाटी में कुल 32 कंपनियां आई हुई है जो कोल ब्लॉक के सिस्टम में आई हुई है और पूरे 81 गांव को विस्थापन करना चाहती है और हम लोग पूरे 81 गांव के लोग किसी भी हाल में कंपनी को बैठने का निर्णय ले लिया है कि किसी भी हाल में उसको कभी भी नहीं बैठने देंगे। जिस तरह से अभी हम लोग यहाँ सुखी संपन्न है, न यहाँ चोर है न यहाँ बदमाश है, हम लोग को मशीन, हम लोग को फसल खेत में लगी हुई रहती है, मशीन पड़ा हुआ रहता है लेकिन कोई उसको छूने वाला नहीं होता है। वो कुछ दलालों के माध्यम से कंपनी बाहर बाहर के लोगों को बुलाकर और अपना जन सूचना, ये क्या बोलते हैं, जन सुनवाई करवाता है। ये हमारे बड़का गांव के नाम पर कभी हजारीबाग तो कभी चरही तो कभी कहां कहां इसी तरह करके वो लोग सुनवाई करवाया। हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने अपना विधि व्यवस्था के साथ गया तो पुलिस प्रशासन को लगवा कर मारपीट करवाता है, केस करवाता है, जेल भेजाता है। पूर्व में जो सो यहाँ बड़का गांव केरेडारी को कृषि प्रधान क्षेत्र घोषित किया था और हम लोगों को वही कहना है कि जो कृषि प्रधान क्षेत्र जो घोषित किए हैं उसको लागू करो। जितना अभी जो है सो रॉयल्टी खदान से मिलेगा, अगर हम किसानों को पानी और खाद और बीज में हम लोग को सब्सिडी और मुहैया अच्छा ढंग से करावें तो उससे ज़्यादा हम लोग उनको रॉयल्टी हम लोग देंगे। 2002 से 2013 भी जो चल रहा है अभी तक इसका आंदोलन हम लोग अधगम जमीनी स्तर से करते आ रहा हूँ और कतई संभव नहीं है कि हम लोग कंपनी की किसी भी हाल में बैठने देंगे। हम लोग जब बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम में 250 से 300 से 500 रुपया महीना में फीस देकर हम लोगों अपने अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर जमीन हम लोग क्यों देंगे। और ये कंपनी बात जबरन करती है, यहाँ के नेता लोग भी हम लोगों को आकर प्रलोभन देना चाहता है। और अभी हमारे पास 6-6 केसे किए हुए, 2 बार हमने भी जेल गया, 3 महीना 4 महीना 2 महीना रहकर वापस आया और इसका आंदोलन को रेस रखे हुए हैं। और जितने भी आज जितना भी जमीन अगर 2% या 4% लिया भी है तो दलाल के माध्यम से ठग करके औने पौने दाम में उससे खरीद लिया है। किसी भी डायरेक्ट जनता से, जमीन वाला मालिक से, किसी से डायरेक्ट ये जमीन लिया ही नहीं। तो अपना जमीन है, अपना जमीन बचाने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और हम लोग रहेंगे भी। किसी भी हाल में हम लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं और न देंगे।